नमस्कार, मैं अभिलाषा स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पर। तो आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, हरी भरी चिकन जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। उसमें हरे पत्तेदार सभी चीज़ में डालूँगी, फ़ायदेमंद भी होते हैं और ठंड के मौसम में बहुत ही इजली मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये, एक बार खा लेंगे आप तो बार बार इस तरह का चिकन बनाकर खाना पसंद करेंगे। हरी भरी चिकन बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही फ़ायदेमंद, इसे सारे फ़ायदेमंद चीज़ें डाले हैं मैंने। तो इस तरह का चिकन बनाने के लिए चलिए मेरे साथ मेरे किचन में बताती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इस तरह का चिकन बनाना हरी भरी कैसे बनते हैं, बहुत ही आसानी से घर पर बाकी सारे चिकन खाना भूल जाएंगे इस तरह का चिकन खा लेंगे। तो हरी भरी चिकन बनाने जा रही हूँ मैं आज। चिकन तो आपने बहुत टाइप के खाए होंगे लेकिन इस तरह की हरी भरी चिकन पहली बार आप देख रहे होंगे, इस तरह से मैं बना रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो देखिए मैंने 1.5 किलो के लगभग चिकन लिया है यहाँ पे, इसे अच्छे से मैंने धो लिया है। अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी, तो मैंने 1 कप दही ले लिया है फ्रेश, इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसे भी डाल दूँगी। और इसमें 1 चम्मच मैं डालूँगी नमक, साथ में तो हल्दी डाल दूंगी 1/2 चम्मच ये। और अब मैं डालूंगी इसमें मिर्च पाउडर, तो 1/2 चम्मच मैं मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और इन सभी को अच्छे से मैं मिला दूंगी इस तरह से, और मिलाकर 1 घंटे के लिए मैं रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। तो देखिए चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है, 1 घंटे के लिए मैं ढककर इसे रख दूंगी। अब देखिए इधर मैं दिखाती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि हरी भरी बोलकर मैंने क्या ऐसा हरा भरा कर रहा है बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1/2 केजी के लगभग हरे प्याज लिए हैं, तरह से ठंड के मौसम में बहुत ही इजली मिल जाते हैं। और यहाँ पे 100 ग्राम मैंने मेथी लिए हैं, इसे भी अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे 100 ग्राम मैंने धनिया के पत्ते लिए हैं, इसे भी अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये मैंने लिया है पुदीना का पत्ता फ्रेश, इसे भी धोकर मैंने रख लिया। तो आज मैं हरी भरी चिकन बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं फोरन में, जैसे तेज़पत्ता है, जीरा है, बड़ी इलायची, लाल मिर्च खड़ा 5-6 पीस, कुछ दाने मैंने गोल मिर्च के लिए, कुछ मैंने दालचीनी के दाने लिए, ये मैंने छोटी इलायची लिया है। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन मेरा 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट करते हुए, रख दिया था मैंने, मैरिनेट हो चुका है। चलिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिया है, अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी 5-6 चम्मच के लगभग, देख रहे हैं। अब इसे मैं गरम होने दूंगी। देखिए चिकन मैरिनेट हो चुका है, तो देखिए ऑयल मेरा गरम हो चुका है। तो मैंने जो सूखे मसाले लिए थे इसमें डाल दूंगी सभी को। तो देखिए सभी मसालों को मैंने डाल दिया, अब ये चटक जाएंगे, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो सगा प्याज लिया था उसे बारीक मैंने कट कर लिया है अच्छे से। तो अब मैं इसमें डालूंगी सगा प्याज को पूरे टोटल को एक साथ, देख लीजिए खड़े मसाले मेरे चटक चुके हैं। तो मैं सभी प्याज को एक साथ डाल देती हूँ, व्हाइट वाले पार्ट भी और ग्रीन वाले पार्ट दोनों को एक साथ डालकर मैं मिला लूँगी। तो देखिए मैंने डाल दिया है प्याज को, सगा प्याज को, कितना अच्छा लग रहा है ग्रीन ग्रीन, ये बहुत जल्दी गल भी जाते हैं सगा प्याज। तो देखिए कितने अच्छे से गल रहा है मेरा प्याज, कितना जल्दी, ये 3 मिनट हुआ है और ज़्यादा गल चुका है। इस स्टेज में मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी मैं भूनूंगी 3 मिनट साथ में ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छे से भुना जाए। तो जब तक मैं लहसुन अदरक और प्याज भुना रहा है तब तक मैं दिखा दूँ आपको आगे का प्रोसेस। मैंने यहाँ पर 5 टमाटर लिए हैं, आप चाहते इसे घस के भी ग्राइंड कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्राइंड करूंगी मिक्सी जार में डालकर प्यूरी बना लूंगी। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, कितने अच्छे से गल चुका है मेरा हरा प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुना चुका है अच्छे से। तो इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी, मैंने टमाटर का प्यूरी बना कर रखा था उसे मैं ऐड कर दूँगी, इसे अच्छे से मिला दूँगी थोड़ा से, इसे भी मैं 2 मिनट भूनूँगी।
देखिए 2 मिनट हो चुका है भूनते हुए मुझे टमाटर पेस्ट को भी। तो इस स्टेज में मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, कलर के लिए मैंने डाला, कलर से बहुत ही अच्छा आता है, इसे मिला दूंगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच नमक। नमक मैंने मैरिनेट कर किया चिकन उसमें भी डाला है 1 चम्मच, तो 1 चम्मच और डालूंगी। अब अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से मैं मिला दूंगी। और मिलाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जिसकी चिकन मसाला है 2 चम्मच, किसी ब्रांड का आप ले सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला 1 चम्मच और 2 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है जीरा गोल मिर्च का पेस्ट। आप चाहे तो इसका सूखा पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास पेस्ट था इसलिए मैं पेस्ट डाल रही हूँ। और मिर्च आप अपने अनुसार, पहले भी मैंने बोला कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तीखा आपको ज़्यादा पसंद ना हो तब मिर्च का क्वांटिटी कम कर सकते हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब इन सभी मसालों को मैं इसमें डाल दूंगी, इसको अच्छे से मिलाकर मैं भूनूंगी 5 से 6 मिनट, जब तक कि मेरे मसालों से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाते तब तक मैं इसे भूनूंगी। तो देखिए 6 से 7 मिनट हो चुका है मुझसे मसाले भूनते हुए, कितने अच्छे से भून चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो चुका है, दिख रहा है आपको, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको कितने अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुका है। तब इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने चिकन यहाँ पे मैरिनेट करके रखा था 1 घंटा पहले, इन सभी को मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह से, देख रहे हैं। और जो इसमें बर्तन में लगे हुए इन्हें भी पूरा इसमें डाल दूंगी और डालकर इन्हें अच्छे से मिला दूंगी मसालों में इस तरह से। गैस को मैं लो हाई कर दूंगी, अभी तक मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे मसाला भून रही थी और अब मैं इसे हाई कर देती हूँ। और हाई करके मैं 4 से 5 मिनट तक चिकन भूनूंगी इस तरह से। और जब तक मेरा चिकन भुना रहा है तब तक मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा दूँ। यहाँ पे जो मैंने धनिया लिया था धोकर, धनिया पत्ता और ये पुदीना, इन दोनों को मैं मिक्सी जार में ग्राइंड कर लूँगी, बारीक पेस्ट तैयार कर लूँगी, बहुत पतला नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हरे भरे चिकन मैं बना रही हूँ, इसलिए मैं हरा हरा करने के लिए ये इसे मिक्सी जार में डाल दे रही हूँ। धनिया डाल दिया मैंने, ये पुदीना डाल दे रही हूँ, इन दोनों को अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। ठंड के मौसम बहुत इजीली ये सब मिल जाते हैं, धनिया भी पुदीना भी सग्गा प्याज और मेथी के पत्ते। मेथी के पत्ते का मैं पेस्ट नहीं डालूंगी, इसको कट करके डालूंगी, इसलिए इसे मैं बाद में दिखाती हूँ आपको, पहले इसका मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है भूनते हुए चिकन को हाई फ्लेम पे। अब मैं गैस को लो टू मीडियम फ्लेम कर देती हूँ और इसे ढक देती हूँ, ढक के मैं बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाऊंगी। ऐसे मैंने ढक दिया, देखिए 10 मिनट हो चुका है चिकन को भूनते हुए ढककर। मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ, ढक्कन खोलकर देखिए चिकन कितना से पानी छोड़ दिया है मेरा, इसी पानी में पक जाएगा। मैंने गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा है, 10 मिनट हुआ है मुझे चला, मैंने बीच बीच में 2-3 बार चलाया है। अब इस स्टेज में मैंने जो मेथी के पत्ते लिए थे उसे मैंने बारीक काट लिया है यहाँ पे, और 3 मैंने हरी मिर्च लिया है इसे बारीक काट लिया है। जैसा कि मैंने बताया मुझे तीखा बहुत पसंद है, इन दोनों को मैं इस स्टेज में डाल दूँगी इस पर, इन्हें भी साथ में भूनूँगी। मेथी अच्छा भी लगता है और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है और ठंड के दिनों में बहुत आसानी से मिल भी जाता है। मैं इसे मिला देती हूँ, मिलाकर फिर मैं ढककर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाऊंगी जब तक कि अच्छे से चिकन मेरा पक नहीं जाता। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने मिला दिया है मेथी के पत्ते को। और यहाँ पे मैंने देखिए ये जो धनिया पत्ता और पुदीने का पत्ता जो लिया था मैंने, उसका भी बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है इस तरह से। इसे मैं बाद में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, अभी मैं इसे और भूनूंगी मेथी के पत्तों के साथ चिकन को। तो देखिए इस स्टेज में मैं इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए चिकन का इसमें करी पत्ते ऐड कर रही हूँ ढेर सारा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और फायदेमंद भी, करी बहुत करी पत्ते होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है, ब्लड शुगर सभी चीज़ों में बहुत ही फायदेमंद होता है। मैंने डाल दिया है इसे और मैं इसे ढक दूंगी, ढककर मैं पकाऊंगी। तो जब तक चिकन हो रहा है तब तक देखिए मैं सैलेड काट लेती हूँ इस तरह से, मैं सजा ले रही हूँ प्लेट में
सैलेड बहुत ही अच्छा लगता है चिकन के साथ। देखिए फ्लेम मेरा वो तो मीडियम है, तो जब तक चिकन मेरा पक रहा है तब तक देखिए मैंने सैलेड तैयार कर लिया है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में सैलेड, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, फ़ायदेमंद भी बहुत होता है सैलेड। चिकन के साथ सैलेड हो तो क्या कहने। चलिए मैं चिकन चला लेती हूँ, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अरे धनकरी पानी कितना अच्छे से छोड़ दिया है चिकन मेरा, इसी में पक चुका है अच्छे से, देख रहे हैं थोड़ी देर और पकेंगे। तो हरी भरी चिकन के साथ हरी भरी सलाद कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर में और पकाऊंगी इसे, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी धनिया और पुदीने का जो मैंने पेस्ट तैयार करके रखा है उससे। 2 से 3 मिनट और मैं इसे पकाऊंगी। पानी में इस चिकन में मैंने पानी नहीं डाला है, तो मैरिनेट किया था दही और चिकन खुद पानी छोड़ा है, उसी में पक चुका है अच्छे से, देख रहे हैं। तो देखिए 3 मिनट हो चुका है, वाव जस्ट वाव क्या चिकन तैयार हुआ है बनकर मेरा, देख रहे हैं पानी में ही ये पक चुका है। मैं ऊपर से इसमें पानी नहीं डालूंगी, तो मुझे थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी पसंद है, अगर आपको पत्ती पसंद हो तो इसमें डाल सकते हैं। तब इस स्टेज में मैंने यहाँ जो धनिया और पुदीने का पेस्ट बनाकर रखा था उसे डाल दूँगी। पुदीने से पिपरमिंट का फ्लेवर आता है और धनिया का तो फ्लेवर बहुत अच्छा होता ही है और फ़ायदेमंद भी ये दोनों बहुत होते हैं। तो देखिए ये मेरे हरी भरी चिकन का मैं 4 चांद लगा रहे हैं और ये राज है मेरी हरी भरी चिकन का। आपने चिकन तो बहुत खाए होंगे लेकिन इस तरह से आपने नहीं खाया होगा, तो इस तरह से बनाएंगे तब इसी तरह से बनाकर खाना पसंद करेंगे। और इस स्टेज में फिर मैं इसमें डाल रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिया है करी का पाउडर, करी पत्ते का भी अच्छा फ्लेवर आता है और फ़ायदेमंद भी बहुत होता है, तो मैंने पत्ता भी डाला है और इसका पाउडर भी डाला है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। देखिए मैं इसे मिला लेती हूँ, तो देखिए डालकर मैंने मिला दिया मेरी हरी भरी चिकन, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और फ़ायदेमंद। तो मैं इसे 2 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसे गैस बंद कर दूंगी और सर्व करूंगी। तो देखिए कितना अच्छे से मेरा हरा भरा चिकन बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल देसी स्टाइल और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही फ़ायदेमंद। तो इस तरह से चिकन आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप सोचेंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया इतना स्वादिष्ट, और एक बार बनाएंगे बार बार बनाकर इसी तरह का चिकन खाना पसंद करेंगे। बड़े बच्चे सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।